राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे चार 90 देसी रसोई में। आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ किचन टिप्स, हैं छोटे छोटे पर हैं बहुत काम के। तो चलिए देखते हैं हम क्या हैं वो टिप्स। पहली टिप्स है हमारी गोभी को लेकर। गोभी को हम ऐसे ही काट लेते हैं धोकर, लेकिन इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इनके डंठल हटा दे और फिर इसको मोटा मोटा काट के गर्म पानी डाल दे और फिर थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट तक इनको रख दे, तो जो छोटे छोटे कीड़े होंगे वो सारे निकल जाएंगे। ये देखो हमने गोभी को मोटा मोटा काट लिया और अब गर्म पानी डाल दिया। अब 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और फिर 5 से या फिर 10 मिनट तक भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से गोभी में जो कीड़े होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाएं, नमक के पानी और गर्म से धोकर ही बनाएं। तो चलिए देखते हैं अब अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी हरी मेथी के लिए। जब भी हम हरी मेथी से बनाते हैं तो कड़ा कड़ा सा लगता है, तो ऐसा क्या करें कि ये कड़ा ना लगे कुछ भी। तो इसके लिए गर्म पानी लेंगे और अब इसमें 1 चम्मच नमक के डाल देंगे और 5 मिनट के लिए मेथी को भिगो कर रख देंगे, इससे मेथी का सारा कड़ापन निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी हरा धनिया। हरा धनिया जो इसके ये मोटे मोटे डंठल होते हैं इनको हम फेंक देते हैं और सिर्फ पत्ते ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये डंठल फेंकने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से पत्तों से स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, वैसे ही इन डंठल से भी वैसे ही स्वादिष्ट बनती है, इसलिए हमें इन सभी डंठलों को सब्ज़ी में काट लेना चाहिए। ये देखो इस प्रकार से हम तो कभी भी नहीं फेंकते धनिए के डंठल को, है ना यूज़फुल टिप्स। तो चलिए देखते हैं अगले टिप्स। जब भी कढ़ी बन के तैयार हो जाए, कढ़ी बनने के बाद 1 चुटकी हींग डाल दे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच देसी घी की डाल दे, इससे कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और अब 2 मिनट तक पकने देंगे और अब बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, इससे कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी गोंद को लेकर। जब भी गोंद बनाए तो 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दे, ऐसा करने से गोंद अच्छा फूलेगा और बीच में से कच्चा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और जिस भी चीज़ में हम गोंद यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी, जैसे कई बार हम पैन या फिर कुकर को गैस पर रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, और घी या फिर तेल डालते हैं तो उसके छिट्टे फिर पूरे गैस पर फैल जाता है। ये देखो इस प्रकार से पूरी गैस चिकनी हो जाती है। तो इसके लिए घी या फिर तेल में 1 चुटकी हल्दी डाल दें, इससे बिल्कुल घी या तेल शांत हो जाएगा और बिल्कुल भी छिट्टे नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले टिप्स। अगले टिप्स है हमारी एलोवेरा को लेकर। एलोवेरा की पत्तियों को तोड़कर हम वैसे ही सीधा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए इनको एलोवेरा की पत्तियों को 1 घंटे के लिए खड़ा करके रखें, जिससे ये पीला पीला पदार्थ निकल जाएगा, उसके बाद यूज करें। ये जो पीला पीला पदार्थ है ये एलोवेरा का कड़ापन है, तो इसलिए जब भी एलोवेरा की पत्तियाँ या फिर जूस को यूज़ करें तो उसको 1 घंटे के लिए पहले रख दें, जिससे उसका सारा कड़ापन निकल जाएगा और फिर बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। ये हमने एलोवेरा जल बनाने के लिए कुछ पत्तियाँ ली थी और इनको 1 घंटे के लिए खड़ा करके रख दिया था, जिससे इनका सारा पीला जो कड़ापन था वो निकल गया। और अब मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे। ये देखो नेचुरल और शुद्ध एलोवेरा जेल बनके तैयार है। तो इस प्रकार से एलोवेरा जेल घर पे बना के रख ले और जब भी ज़रूरत पड़े यूज़ कर ले। हाथ पैरों पे लगाना हो या फिर शरीर पे कहीं भी लगाना हो, बालों में लगाना हो, तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेचुरल एलोवेरा जेल बनके तैयार है। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी इस प्रकार चम्मच, जो कि हम ऐसे इसलिए पर रख देते हैं और जो ये हमारी जगह होती है वो ख़राब हो जाती है, इसी प्रकार से हम चूल्हे पर रख देते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी कटोरी रखें और उसमें चम्मच रख दें,
हमारा स्लैब भी खराब नहीं होगा और चूल्हा भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है, जब भी सब्जी बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो ये हमारा बर्तन बहुत तेज गर्म होता है और ऐसे ही हम स्लैब रख देते हैं तो ये निशान पड़ जाता है और इसकी चमक खत्म हो जाती है। इसके लिए इस प्रकार का कोई स्टैंड रखे और उसके ऊपर रख दे तो हमारे स्लैब के ऊपर शाइनिंग बनी रहेगी। अगर ऐसा स्टैंड नहीं है तो कोई पुरानी प्लेट हो जिसे हम यूज नहीं करते हैं वो रख दे। अगर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।